प्यारे बच्चों, बप्पा रावल ने गजनी अफगानिस्तान पर कब्जा करके देवराज बाटी को गजनी का राजा बना दिया। चार बकरे का मांस कलेवे कलेवे में खा जाया करते थे, इतने तगड़े थे बप्पा रावल। सात सौ चौतीस ईस्वी में बप्पा रावल जिनका एक नाम कालभोज मालभोज भी कहते हैं, बप्पा रावल या कालभोज ने, प्यारे बच्चों, मान मोरी को हराकर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, मेवाड़ पर अधिकार किया। तो बताइए, मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन था? अब ध्यान देना, गुहिल साम्राज्य का संस्थापक ये था बप्पा रावल या कालभोज, ये था गुहिल साम्राज्य की स्थापना करने वाला। गुहिल साम्राज्य की स्थापना करने वाला, तो गुहिलों का जो साम्राज्य का संस्थापक है वो था बप्पा रावल, और गुहिल वंश का संस्थापक था वो था गुहिलादित्य। गुहिलादित्य ने स्थापना की थी बेटा 566 में, और कालभोज या बप्पा रावल ने 734 में की थी गुहिल साम्राज्य की मेवाड़ में स्थापना। प्यारे बच्चों, ये बप्पा रावल किसका पुत्र था? बप्पा रावल था नागादित्य का पुत्र, नागादित्य का पुत्र, गुजरात में किसी का इडर, इडर का निवासी था ये नागादित्य। लेकिन नागादित्य की भीलों ने हत्या कर दी थी, और भीलों ने हत्या कर दी तो प्यारे बच्चों, बप्पा रावल की माँ एक ब्राह्मणी के यहाँ शरण लेती है, और ब्राह्मणी वहीं पर बप्पा रावल का लालन पालन करती है, और फिर ये बप्पा रावल या कालभोज क्या करता है, हरित ऋषि की गाय चराने लग गया, हरित ऋषि का शिष्य बना, हरित ऋषि का शिष्य बना। और प्यारे बच्चों, हरित ऋषि की गाय चराने लगा। हरित ऋषि ने प्रसन्न होकर, याद रखना बप्पा रावल किसका शिष्य था, हरित ऋषि का शिष्य था। हरित ऋषि एकलिंग जी के भक्त थे, हरित ऋषि किसके भक्त थे, हरित ऋषि एकलिंग जी के भक्त थे, और एकलिंग जी के भक्त हरित ऋषि ने वो शिवलिंग की स्थापना करवाई, और शिवलिंग की स्थापना करवाने के बाद बप्पा रावल को वरदान दिया। बप्पा रावल ने 734 में मान मोरी को पराजित करके चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया, यानी कि मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना की। वैसे कई जगह तो इनको अलग अलग बताया गया, कालभोज और मालभोज को। बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज या मालभोज, काल का भी भोजन कर जाए, मौत को भी जो खा जाए, वो क्या है, कालभोज। तो बप्पा रावल का असली नाम क्या था, कालभोज। और प्यारे बच्चों, ये ईडर के, ईडर कहाँ है, गुजरात में। पहले ये वल्लभी के शासक थे, इनके वंशज पूर्वज जो गुहिलादित्य थे, वो ईडर गुजरात के नागादित्य का पुत्र था, नागादित्य का पुत्र था। प्यारे बच्चों, इस नागादित्य की भीलों ने हत्या कर दी, किन्हों ने मार डाला, इडर का राजा था, भीलों ने हत्या कर दी। अब क्या करें साहब, तो इसकी जो मां थी, इस कालभोज को लेकर के एक ब्राह्मणी के पास आ जाती है, जिसका नाम था कमलावती। अरे क्या नाम था, कमलावती। प्यारे बच्चों, इस कालभोज का कमलावती कमलावती नामक ब्राह्मणी ने लालन पालन किया, बेचारी विधवा थी वो भी, कमलावती नाम ब्राह्मणी ने लालन पालन किया। तारे बच्चों, अब देखते कालभोज की उपाधियां, कालभोज को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया। देखो बेटा जी, चक्कव है,
चलो पुरानी कहानियां आज भी अपन सुनते हैं अपने दादा दादी से, नाना नानी से, तो एक बात चलता है, एक बात चलती है, बात में क्या आता है कि चकवेबेण नाम का एक राजा था। ये ही है वो चकवेबेण जो चकवा किसी बोली बोलता था, चकवा की भाषा समझता था। चकवे राजगुरु, चलो राजगुरु उपाधि तो शायद आपको पता हो, तो कुंभा ने भी धारण करी थी, करी थी कि नहीं? चकवे राजगुरु और एक इनकी उपाधि थी हिंदू सूर्य। तब से लेकर आज दिन तक मेवाड़ के राजाओं को हिंदू सूर्य ही कहते हैं, हिंदवा सूरज। इन्होंने दाहिर सेन, चलो दाहिर सेन कहां का राजा था ये तो आपने भी पाठों में पढ़ा, आपके पहले भी आया है। दाहिर सेन था सिंध का राजा। दाहिर सेन के बाद में क्या हुआ कि दाहिर सेन के सिंध का राजा था, सिंध पर कब्जा हो गया किसका? मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी मोहम्मद बिन कासिम का। किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। तो प्यारे बच्चों इन्होंने धवल मोरी, धवल मोरी, देवराज भाटी, देवराज भाटी व नागभट्ट के साथ, नागभट्ट के साथ या नागभट्ट के सहयोग से मोहम्मद बिन कासिम को हराया, मोहम्मद बिन कासिम को हराया, मोहम्मद बिन कासिम को हराया। मोहम्मद बिन कासिम को हराया किसने? बप्पा रावल ने। दोबारा देखिए इसका सहयोग किस किस ने किया। वैसे तो मैन इसका जो कमांडर था, मैन कमांडर तो बेटा नागभट्ट प्रतिहार था, नागभट्ट प्रतिहार। इस नागभट्ट प्रतिहार का सहयोग किया किस किस ने? बप्पा रावल ने, धवल मौर्य ने, देवराज भाटी ने। ये देवराज भाटी बेटा इस बप्पा रावल का भांजा था। और प्यारे बच्चों बप्पा रावल ने गजनी अफगानिस्तान पर कब्जा करके, अफगानिस्तान पर कब्जा करके देवराज भाटी को गजनी का राजा बना दिया। और गजनी पर कई साल तक इन भाटियों ने राज किया। एक किताब आती है गजनी से, गजनी से जैसलमेर तक। इन्होंने कई तो विदेशी महिलाओं से शादी की। अब से इसमें एक विवादास्पद बात यह मिलती है कि इनकी समाधि है वो खुरासान में, ना इनकी समाधि नागदा में है। बप्पा रावल के समय मेवाड़ की राजधानी कहां रही? बप्पा रावल की राजधानी कहां थी? बप्पा रावल की राजधानी थी नागदा। कौन सी जगह? नागदा उदयपुर में, एकलिंग जगह बिल्कुल पास में ही है। बप्पा रावल के समय मेवाड़ की राजधानी कहां रही बताए? नागदा। इन्होंने इराक, ईरान, इन्होंने इराक, ईरान व खुरासान को जीतकर, इराक व ईरान व खुरासान को जीतकर वहां के शासकों से दंड वसूल किया, वहां के शासकों से दंड वसूल किया, दंड वसूला, वहां के शासकों से दंड वसूला, पैसे लिए, टैक्स देना पड़ता था उनको। और प्यारे बच्चों गजनी के खुसरूसा नाम था क्या उसका? गजनी के किस शासक को इन्होंने हराया था बताओ? गजनी के शासक सलीम को हराकर, गजनी के शासक सलीम को हराकर अपने भांजे, इनके भांजे का नाम क्या था? देवराज भाटी को, अपने भांजे देवराज भाटी को गजनी का शासक बनाया।
और प्यारे बच्चों, बप्पा रावल की समाधि नागदा में, कहां पर है? नागदा में। नागदा कहां है? उदयपुर में। इसी नागदा में चोरों सास बहू का मंदिर भी है, सहस्त्र बहू का मंदिर भी है। कई जगह तो ऐसा भी लिखा है कि किंवदंती है, कि गलत है ये, हालांकि किंवदंती है कि बप्पा रावल की समाधि समाधि खुरासान में है। बप्पा रावल की समाधि कहां पर है? खुरासान में है। बप्पा रावल की समाधि खुरासान में है, ऐसी भी गप ठोकी जाती है, कपोल कल्पित दंत कथा ऐसी ऐसा है। इस प्रकार ये पाठ रहा बप्पा रावल का। तो याद रखना, इसी बप्पा रावल ने 8वीं सदी या 734 यानी कि 8वीं सदी में, देखो गुहिल वंश की स्थापना तो की थी गुहिलादित्य ने, जिसको गुह दत्त भी कहते हैं, है ना, और 8वीं सदी में गुहिल साम्राज्य की स्थापना की, गुहिल साम्राज्य की स्थापना की, किसको हराकर? अरे मान मोरी को हराकर। मान मोरी चित्तौड़गढ़ पर शासन कर रहा था, उसने गुहिल साम्राज्य की स्थापना की। लंबी बात है, कहते कि ये जो बप्पा रावल है, इसकी खड़ग में, खड़ग कहते बेटा तलवार को, खड़ग में 32 मण वजन था। कितना मण? चोरों एक मण में 40 शेर होता है, यानी 40 किलो के लगभग। अब 40 किलो एक मण में और 32 मण वजन था इनकी तलवार में, वजन था। 36 हाथ की धोती, कहते 4 बकरे का मांस कलेवे कलेवे में खा जाया करते थे, इतने तगड़े थे बप्पा रावल। कोई शक, इन्होंने सोने की मुद्रा भी चलाई थी, एक बात और लिख लेना, सोने की मुद्रा चलाई थी, ठीक है। तो बप्पा रावल ने स्वर्ण मुद्रा भी चलाई थी, ये लो यही लिख देते हैं, बप्पा रावल ने स्वर्ण मुद्रा चलाई। स्वर्ण मुद्रा पर क्या है? शिवलिंग है, एक त्रिशूल है, एक नंदी बैल है, और उसके सामने बप्पा रावल दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। शिवलिंग, नंदी बैल और त्रिशूल है, और बप्पा रावल एक पुरुष उसके सामने दंडवत प्रणाम कर रहा है। ये बप्पा रावल कैसा है? जैसे ये सिक्का, इस सिक्के पर एक तो शिवलिंग, एक क्या है? त्रिशूल, और एक बेटा है ये सांड बेटा है, और सामने एक पुरुष इनको दंडवत प्रणाम कर रहा है। ऐसी सोने की मुद्रा किसने चलाई थी? बप्पा रावल ने चलाई थी।